हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्के एक्सप्लेनर। आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि आप लोग जो है फ्री में वर्चुअल कार्ड कैसे बना सकते हैं, और वो कार्ड जो है आपको वीज़ा कार्ड मिलेगा, मास्टर कार्ड मिलेगा, और वो दोनों कार्ड आप लोगों का प्ले स्टोर में, सैमसंग पे में, एप्पल पे में, सारी जगह पे काम करेगा। और उसमें जो है आप लोग बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो ये देख सकते हैं यू मनी है। मैं आपको इसका थोड़ा इंटरफेस दिखा देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। तो देख सकते हैं हमारे पास दो वर्चुअल कार्ड है, एक जो हो गया 5625 है, दूसरा जो है 7932 है। तो हमारे पास दो वर्चुअल कार्ड है, इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे हम थोड़ा दिखा देते हैं, सबसे लास्ट में देखेंगे, देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ था। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो एक वर्चुअल नंबर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी जो है मेरे पास ऑलरेडी एक है, तो मैं एक वर्चुअल नंबर यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं सेकंड लाइन यहाँ से यूज़ करूँगा, कोई एक नंबर कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है, सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर कर देते हैं क्लिक, और इसके बाद हमें ये नंबर मिल जाएगा। क्योंकि ये वेबसाइट है, ईमेल भी इसको ज़रूरत है, इसको जो है नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, दोनों नंबर और वेबसाइट ईमेल दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम ऐप परमिशन में जाएंगे, यहाँ पे कॉल लॉक्स जो है इसको हम कर देंगे अलाउ, और जो है एसएमएस को भी कर देंगे यहाँ से अलाउ, और स्टोरेज वगैरह को जो कर देंगे अलाउ, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको तुरंत एसएमएस और जो है ओटीपी रिसीव हो जाएगा। तो हम जाएंगे यहाँ पे गूगल पे, यहाँ पे हम लिखेंगे यू मनी, ठीक है, और इसको जो वेबसाइट फर्स्ट वाला इसको हम कर देंगे यहाँ से ओपन, पीला जो इसका लोगो है। और यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को गूगल ट्रांसलेट को ऑन कर देना, ठीक है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये रशिया में होगा, तो आप लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम। उसके बाद क्रिएट वॉलेट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको नंबर को कर लेना चूज़, ठीक है, और वही नंबर हम कर देंगे पेस्ट। अगर आप लोग अपना नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो अपना नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर काम करेगा। और अगर आप लोगों का ट्रांसलेट इधर से नहीं हो रहा है तो मैं बता दूँ क्या करना है, आपको गूगल ट्रांसलेट अपने मोबाइल में कर लेना है इंस्टॉल, ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन आपको इनेबल हो जाएगा। तो ये 11 51 26 मेरे पास ओटीपी आया है, हम इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। ईमेल आपको डालना है, ईमेल आप लोग अपना रियल डाल सकते हैं अगर जो है हमेशा के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो फेक नहीं है दोस्तों, ये आपको रियल में वर्चुअल कार्ड देगा, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन या बहुत सारी कंपनी आपको देती हैं, फेक वगैरह नहीं है, आप अपना हमेशा के लिए इसको बना सकते हैं। तो मैं जो है जैसे ईमेल डाल दिया, यहाँ पे आपको जो है ओटीपी आया, आप लोग कोई पासवर्ड डालें स्ट्रांग वाला पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पे करेंगे क्लिक, तो आपको ये अकाउंट बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देख सकते हैं हमारे पास एक कार्ड तो मिल गया है, ठीक है, अब हमें दूसरा कार्ड कैसे लेना है जो कि कहीं भी काम करेगा, ठीक है। तो हम ये करेंगे कार्ड पे, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे तीन तरह का कार्ड आएगा, आप लोग अपने घर पे इसको डिलीवर भी करा सकते हैं, ठीक है। मैं कार्ड पे क्लिक करता हूँ, तो व्यू पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास ये कार्ड अभी दिखाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, बार बार आपको जो ओटीपी रिसीव करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको बार बार ओटीपी भेजेगा। और देख सकते हैं हमारे पास नंबर भी है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट वगैरह भी है, सीवीवी भी है, सारे जो है इसका सिक्योरिटी कोड होता है वो भी है, देख सकते हैं सीवीवी भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो मैं दूसरा कार्ड कैसे ऐड करूँगा ये मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या करना है, आपको जाना है अकाउंट पे, अकाउंट पे प्रोफाइल पे जाके आपको अपना नेम जो है वहाँ पे चेंज कर देना है, क्योंकि मेरा नेम जो मैं जैसे मैं अपने चैनल का नेम इधर डाल देता हूँ या कुछ भी डाल देता हूँ, आपको अपना रियल नेम डालना है, ठीक है, जो कार्ड पे होता है, क्योंकि ये कार्ड फेक नहीं है, ये वर्चुअल, ये हमें अच्छा कार्ड है, ये रियल कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको तीन तरह के कार्ड मिलेंगे, देख सकते हैं, इसमें से एक कार्ड जो है आप लोग अपने डिलीवर भी करा सकते हैं, इसके लिए कुछ चार्ज लगता है या फ्री में भी होता है। तो मैं सबसे लास्ट वाले में जाके यहाँ पे जो है इस मास्टर कार्ड को कर लेता हूँ ऐड,
तो देख सकते हैं यहाँ पे वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड है, तो मास्टर कार्ड मैं चूज़ करूँगा क्योंकि वीज़ा कार्ड मेरे पास ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैं मास्टर कार्ड को करूँगा ऐड। और यहाँ से फिर से आपको OTP भेजेगा आपके नंबर पे, तो आपको OTP को डाल देना है 0768 और उसको फिर से प्रोसीड कर देना है। तो देख सकते हैं मेरे पास ये मास्टर कार्ड ऐड हो गया, देख सकते हैं। अब मैं इसको ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हैं वीज़ा, ये मास्टर कार्ड आपको जो है हर जगह काम करेगा, ठीक है। अब इसको कैसे प्ले स्टोर में ऐड करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग तब तक लिए इंतज़ार करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे इस मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड को कहाँ कहाँ यूज़ करना है। थैंक यू।